अस्तित्व में आया और मैं आज सभी तेलंगाना वासियों से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि तेलंगाना की संस्कृति, साहित्य, संगीत, वेशभूषा और परंपरा हजारों सालों तक इसी तरह भारत माता का मुकुटमणि बनकर भारत माता के हमारे यहां भारत की कल्पना जो भारत को नहीं समझ सकते वो कभी कर नहीं सकते। बहुत बढ़िया। हमारे यहां हर राज्य की संस्कृति है, हर राज्य की भाषा है, हर राज्य की वेशभूषा है, हर राज्य का खान पान है। और मैं ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। मैं देश भर के सभी जिलों में प्रवास करने वाला व्यक्ति हूं, मैंने इसको बहुत नजदीक से देखा। सब कुछ अलग होने के बावजूद सबकी आत्मा एक है और वही आत्मा भारत को जोड़कर रखती है। और भारत ने बड़ी खूबसूरती के साथ विविधता में एकता का ये मंत्र आत्मसात कर सांस्कृतिक एकता से भारत की एकात्मता का रास्ता हमने तय किया है। और आज तेलंगाना भी भारत के सबसे युवा राज्य के रूप में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे, ऐसी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, तेलंगाना के युवाओं के, तेलंगाना राज्य की डिमांड के लिए, मांग के लिए जो संघर्ष है उसकी बात मैं नहीं करूंगा तो मेरी बात अधूरी मानी जाएगी। सालों तक तेलंगाना राज्य की मांग होती रही, 1200 से ज्यादा युवाओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया। मैं आज वो सभी युवाओं को मनपूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। जहां तक पार्टियों का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से तेलंगाना राज्य की स्थापना का समर्थन किया था और 2004 में वादा करने के बाद भी 2004 से 2014 तक तेलंगाना की मांग को ठुकराया गया। जब चुनाव मुहाने पर आए तब लगा कि जनता का गुस्सा चुनाव में झेल नहीं पाएंगे, तब जाकर 2014 में तेलंगाना राज्य की रचना की। मगर उसमें भी काम करने की पद्धति और विचार दोनों प्रदर्शित होते हैं। अटल जी ने भी छत्तीसगढ़ बनाया, उत्तराखंड बनाया, झारखंड बनाया। उनके समय में ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार का बंटवारा हुआ, 3 राज्य बने, कहीं पर भी कोई झगड़ा नहीं हुआ, ना आज भी कोई विवाद है। इन्होंने बंटवारा इस प्रकार से किया कि मन भी अलग हो गए और राज्य के बीच में कटुता की एक बहुत बड़ी खाई। मैं आज इस मौके पर सभी को कहना चाहता हूं कि हम इससे बाहर आए और पूरे देश की एकता और अखंडता को तेलंगाना के विकास के माध्यम से, भारत का विकास इस सूत्र को आत्मसात करते हुए एक महान तेलंगाना की रचना करने के लिए हम सब अपने आप को समर्पित। तेलंगाना क्षेत्र के अल्लूरी सीताराम राजू, रामजी गौड़, कुमाराम भीम, ये सब लोगों ने तेलंगाना देश और निजाम से छुटकारा पाने के लिए ढेर सारा संघर्ष करा। इसमें स्वामी रामानंद तीर्थ हो,
पंडित नरेंद्र हो, सुरावरम प्रताप रेड्डी हो, कवि दशरथी हो, रंगाचार्य गोविंद भाई श्रॉफ हो या हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव हो, इस सबने देश की स्वतंत्रता के लिए और निजाम से तेलंगाना को मुक्ति कराने के लिए ढेर सारा संघर्ष किया। आज मैं उनको भी याद करना चाहता हूं। हम सब पूरा देश ऋणी है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अगर सरदार पटेल न होते, उनका वो पुलिस एक्शन न होता, तो शायद भारत का नक्शा ऐसा न होता। निजाम के जुल्मी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए न केवल तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के निजाम राज के क्षेत्रों, मगर पूरा देश आज सरदार पटेल का ऋणी है कि उन्होंने निजाम के शासन से मुक्ति दिलाई। मुझे अफसोस है, आज भी तेलंगाना विमोचन दिन, हैदराबाद विमोचन दिन मनाया नहीं जाता है। खैर, भविष्य में शासन बदलने वाला है, हम जरूर मनाएंगे। हमें इसमें कोई संकोच नहीं है। एक ऐसा पराक्रम देश के प्रथम गृह मंत्री ने किया था, हर साल उसको याद कर वो जुल्मी शासन से हमें निपटारा दिलाने वाले वो महान व्यक्ति को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। और इसमें किसी को भी संदेह भी नहीं होना चाहिए और किसी को संकोच भी नहीं। तेलंगाना की संस्कृति, नृत्य, संगीत, इतिहास, वेशभूषा और खान पान, वो समग्र भारत की संस्कृति के लिए बहुत गौरवप्रद है। अनेक ऐसे तीर्थ है जो समग्र भारत के लिए आकर्षण का केंद्र है। वारंगल किला हो, आलमपुर हो, संगेश्वर मंदिर हो, रामप्पा मंदिर हो या भद्राचलम हो, देश भर के लोग तेलंगाना को आने के लिए, इसको देखने के लिए तेलंगाना आना चाहते हैं। अनेक प्रभावी और सैकड़ों सालों तक प्रभाव छोड़ने वाले चौलुक्य, काकतीय, सतवाहन, वाकाटक, अनेक राजवंशों ने बड़े बड़े साम्राज्य यहां पर स्थापित किए, तेलुगु संस्कृति को प्रस्थापित करने का काम किया और एक ऐसे इतिहास की रचना की जो सालों तक तेलंगाना क्षेत्र को गौरव दिलाता रहे। आज तेलंगाना राज्य की स्थापना हो गई है। भाई किशन ने 8 साल में क्या क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ, इसकी डिटेल बात करिए। परंतु मैं आप सबको एक बात निश्चित कहना चाहता हूं, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम राज्य और केंद्र के रिश्ते को रिलीजियसली निभाते हैं। हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा किस राज्य में हमारी सरकार है, किस राज्य में नहीं है। किसी भी राज्य के लिए हमने सौतेला व्यवहार नहीं किया। कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री अगर दिल्ली में आता है तो उसका पूरा सम्मान हम करते हैं और हर राज्य के विकास के लिए मोदी जी के नेतृत्व में हम अनेक विध कामों की शुरुआत करते हैं और हम वो सूत्र में विश्वास करते हैं कि राज्यों के विकास से ही देश का विकास हो सकता है।